नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में सोमवार से शुरू हुई और इस बैठक में पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता शरीक हो रहे हैं। बता दें आपको कि पहले दिन के समापन से पहले बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पदाधिकारियों को इस अवसर पर संबोधित भी किया और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत करने के लिए जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत सभी नेता वहां पर पहुंच चुके हैं। बता दें आपको कि इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का संगठन को मजबूत करने का खासा जोर देते हुए 2023 और 2024 में एक भी चुनाव नहीं हारना है। दिल्ली में लगातार गिरते पारे के बीच ही ठिठुरन बढ़ी है और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के असर से मैदानी इलाकों की ठंडक में इजाफा हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 17 जनवरी की सुबह न्यूनतम तापमान 2 डिग्री दर्ज किया गया है और लोधी रोड इलाके में 2.0 डिग्री सेल्सियस, रिज में ही 2.2 डिग्री सेल्सियस। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसको लेकर सेल्सियस दर्ज किए गए हैं। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार बताया गया है कि दिल्ली में यह ठंड का दूसरा दौर है जो नए रिकॉर्ड बना सकता है और दिन में भले ही धूप निकल रही है लेकिन सवादतर हवा जो सर्द दिखाई दे रही है, जो शाम ढलते ढलते बर्फीली हो रही है और यही वजह है कि रात में पारा 1 डिग्री के करीब जा सकता है। जानकारी के अनुसार साफ आसमान के कारण दिल्ली में अच्छी धूप निकल रही है और कोहरा नहीं है और इसलिए दिन का तापमान सामान्य चल रहा है और लेकिन रात और सुबह के समय शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बताया जा रहा है कि अभी 2 दिन शीतलहर की स्थिति से राहत नहीं मिलने की संभावना जताई गई है। IMD के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली में आज 17 जनवरी को न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। चलिए खबर उन्नाव से है जहां पर बता दें कि शिक्षक MLC चुनाव के चुनाव जो है उसको लेकर 30 जनवरी को संपन्न होने हैं और इस चुनाव में कानपुर उन्नाव सीट के लिए 10 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाने के लिए मैदान में हैं और वहीं पर सत्तारूढ़ दल की एंट्री के साथ जीत सुनिश्चित करने के लिए फर्जी मतदाता बनाने का खुलासा उन्नाव में हुआ है। ये खुलासा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष की शिकायत पर हुआ है जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी और DM अपूर्व दुबे ने इसकी जांच कराई है। आपको बता दें कि DIOS रविशंकर ने माना है कि SDM और उनकी जांच में अलग अलग विद्यालयों में फर्जी मतदाता पाए गए हैं और शिकायत सही मिलने पर RO के कानपुर महानगर के जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजकर फर्जी मतदाताओं के नाम हटाने को पत्र भी भेजा गया है। आपको बताते चले कि अब देखना यह होगा कि चुनाव नजदीक है और ऐसे में हजारों की संख्या में फर्जी वोटर हटाए जाएंगे या सत्ता के दबाव में ये फर्जी अध्यापक भी वोटिंग करेंगे। देखिए एक्चुअल में क्या हुआ है, अभी तक इस शिक्षक राजनीति में कभी राजनीतिक दल नहीं आया करते थे लेकिन इस बार सत्तारूढ़ दल के कैंडिडेट के आने से अन्य दलों के भी कैंडिडेट सामने आए हैं लेकिन सत्तारूढ़ दल द्वारा शासन और सत्ता पर दबाव बना करके फर्जी वोटर बनवाए गए जिनमें बहुत सारे वोट तो चिन्हित हुए हैं जिनके संदर्भ में मैंने जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला अधिकारी को एक ज्ञापन दे करके एक शिकायती पत्र प्रेषित करके ये बताया था कि इन इन विद्यालयों में इतने इतने शिक्षक हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे हमारे जो शिक्षक संगठन से प्रत्याशी हैं सत्तारूढ़ दल के, उन्होंने अपने विद्यालयों में लगभग करीब करीब 650 ऐसे अध्यापकों को मतदाता बनाया था जिन जो शिक्षक हैं ही नहीं। कोरोना में दबंगों की दबंगई का मामला देखने को मिला है जहां पर दबंगों ने हाई इलेक्ट्रॉनिक दुकान के मालिक और कर्मचारी से मारपीट की है। वहीं मारपीट की घटना अब CCTV में कैद हो गई है। बता दें आपको कि पुलिस मामले की सूचना मिलते ही जांच में जुट गई है। घटना कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के गल्ला मंडी के पास की बताई जा रही है जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक दुकान के मालिक के साथ मारपीट की गई है।
मैनपुरी किशनी से सपा के विधायक अपने गांव में भू माफियाओं के खिलाफ धरने पर पीड़ितों के साथ शमशान घाट पर बैठ गए और विधायक किशनी ब्रजेश कठेरिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि भू माफिया रामोतार सिंह गरीबों को आवंटित पट्टे की जमीन पर फसल नहीं उगाने दे रहे हैं, जबकि प्रशासन ने पीड़ितों को जमीन पर दखल भी दिला दिया है और फिर भी दबंग भू माफिया पीड़ित किसानों को खेती नहीं करने दे रहे हैं और साथ ही गरीब किसानों की जमीन पर जबरन फसल उगाकर लाखों रुपए की कमाई कर रहा है। विधायक किशनी ब्रजेश कठेरिया ने एसडीएम भोगांव पर भी सुनवाई न करने का आरोप लगाया है। सपा विधायक ब्रजेश कठेरिया ने ऐलान किया कि जब तक गरीबों को उनका हक नहीं मिल जाता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। लोगों के नहीं उठाते तो क्या बहुतेरे में हमारी गिनती कर ली? क्या लग रहा है विधायक जी, क्या कोई निश्चित रूप से मुझे लग नहीं रहा, पूरा मैं आश्वस्त नहीं, पूरे विश्वास के साथ ये कह रही कि एसडीएम साहिबा असहाय हैं सरकार के बड़े नेताओं के दबाव में और वे अपनी असहजता इसीलिए है चूंकि अधिकारियों को उन पर दबाव है कि इन गरीबों की मदद ना हो। आपका धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? जब तक जारी रहेगा, जब तक इन गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं रात दिन यहीं बैठूंगा, नहीं उठूंगा। काफी गंभीर मुद्दा है, शीर्ष नेतृत्व से कोई बातचीत हुई आपकी? निश्चित रूप से अभी तो बैठे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मेरी शाम तक बात होगी, बात ऊपर तक पहुँचाएंगे। तो मैनपुरी से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर धरने पर सपा विधायक बैठ गए हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं और इसके साथ ही भू माफियाओं के खिलाफ ये मोर्चा खोल दिया गया है। बता दें आपको कि धरने पर महिलाएं सहित पुरुष भी मौजूद हैं और इसके साथ ही उनका साफ तौर पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जालौन के उरई पहुंचे और जहां उन्होंने उरई में विहिप कार्यकर्ता के घर पहुंचकर संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात की और साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों की जनसंख्या रोकने के लिए सरकार को जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए जिससे देश में तेजी से बढ़ रही मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाई जा सके। और साथ ही उन्होंने कहा कि वो हिंदू हितों के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। और वहीं उन्होंने पठान फिल्म को लेकर कहा कि देश में पठान फिल्म को टारगेट करके उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है जिससे उसकी लोकप्रियता बढ़ती गलत है। फिरोजाबाद में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की ओर से एडिट योजना के अंतर्गत दिव्यांगों को निशुल्क सहायता उपकरण वितरण किए गए और इस योजना के तहत ही कुल आपको बता दें कि 147 लाभार्थियों को लगभग 14,49,000 रुपए के 251 निःशुल्क सहायक उपकरणों का वितरित किया गया है और यह कार्यक्रम फिरोजाबाद सांसद चंद्रसेन जादौन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ है। हम लोग सामाजिक अधिकारिता शिविर आजादी के 75वें वर्षगांठ की उपलब्ध में हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में 67 स्थानों पे जिलों में हम लोगों ने ये कैंप का आयोजन किया था जिसका उद्घाटन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी कैबिनेट मंत्री सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया था। और उसी के क्रम में 14 तारीख को हम लोगों ने सदर में किया था। हमें सरकारी तरफ से सर रिक्शा मिला हुआ है, हमें बहुत उत्साह हुआ है और सरकार जो बहुत बहुत धन्यवाद है और हमें बहुत खुशी हुई है मिलने से और हम अपने पैरों पर चढ़ के अपना फसल रोजगार कर सकें। मुजफ्फरनगर में भाकियों ने घोषणा करते हुए कहा कि 18 जनवरी को महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और यह महापंचायत गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर होगी। महापंचायत का आयोजन भसाना में मौजूद शुगर मिल पर होगी और आपको बताते चले कि पिछले कई दिनों से भाकियों का भसाना शुगर मिल पर अनिश्चितकालीन धरना जारी है और मिल कर्मचारियों से बातचीत के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला है। महापंचायत में भाकियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत मौजूद रहेंगे
रहेंगे और किसानों के भसाना में मौजूद बजाज शुगर मिल को बंद करने की घोषणा की है और साथ ही किसानों से गन्ना न लाने की अपील की गई है। हरदोई में डीएम चौराहा और एएसपी बंगले के पास ट्रक की टक्कर से ही स्कूटी सवार बुजुर्ग की मौत हो गई है। मृतक की पहचान बहरा सौदागर निवासी दिनेश श्रीवास्तव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो स्कूटी से पिहानी चुंगी की तरफ जा रहे थे और उसी समय तेजी से एक ट्रक आया और उसने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी और ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो स्कूटी पर चढ़ गया। घटना के बाद लोगों ने ट्रक को घेर लिया और पुलिस को सूचना दी है पूरे मामले की। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चालक और परिचालन को हिरासत में लिया है। अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे सांसद वरुण गांधी ने अपने ही सरकार द्वारा चुनाव में आवारा जानवरों से किसानों को निजात लाने की बात को याद दिलाते हुए ही सरकार पर जमकर हमला बोला है और साथ ही संविदा कर्मियों की हर मंच पर आवाज उठाने का वादा करते हुए सरकार को खुले मंच से चेतावनी दी है। और यही नहीं, वरुण गांधी के अपने द्वारा ही किसानों के हित और गरीब जनता के हित में लिए ही फैसलों का जिक्र करते हुए विपक्ष के सरकार के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मनमोहन सिंह का नाम लेते हुए उन्हें उनके प्रस्ताव को समर्थन देने की बात कहते हुए सरकार को अपनी ताकत का एहसास करवाते नजर आए हैं। वरुण गांधी ने पूरनपुर के ही घुंगचाई क्षेत्र में मौजूद गुलड़िया धूप सिंह गांव में आयोजित सभा के दौरान कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल में ही अपनी जान पर खेलकर हमारी रक्षा की है। हम लोग उनकी बात को हल्का नहीं होने देंगे और हर मंच पर संविदा कर्मचारियों के लिए न्याय की बात करते हुए सरकार से उनके मान सम्मान की कमी को जो दिख रही है उसको पूरा करके भरपाई कराई जाए। सोहारा थाना क्षेत्र में ही बैंक से रुपए निकालकर घर जा रही महिला के साथ दिन दहाड़े बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है और मौके से फरार हो गए हैं। दरअसल सोहारा थाना क्षेत्र के गांव जसमोर डोडी के रहने वाले सूरजपाल की पत्नी ललिता पंजाब नेशनल बैंक की सोहारा शाखा से 30,000 रुपए निकाल कर ही अपने घर की ओर जा रही थी और तभी मुरादाबाद रोड पर पीछे से आ रहे बाइक सवार दो युवकों ने उससे हाथ से ही नोटों से भरा छीन लिया और फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर ही पुलिस मौके पर पहुंची और बैंक शाखा के आसपास लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। पीड़ित ललिता ने बताया है कि वो बीडीसी सदस्य है और उसने मन्नत मांगी थी कि यदि वो चुनाव जीत जाएगी तो गांव में पिंडदान स्थल का निर्माण कराएगी और अब वो गांव में ही पिंडदान स्थल का निर्माण करवा रही है जिसके लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो वो सोहारा में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में आई थी और जहां से उसने 30,000 रुपए निकाले थे और उन रुपयों को एक थैले में रख लिया था। थैले में उसने रुपयों के साथ अपना आधार कार्ड मोबाइल और दूसरे बैंक की किताबें भी रखी थी और रुपये निकाल कर जैसे ही वो अपने घर और मुरादाबाद रोड पर अपने गाँव वापस जा रही थी तभी पीछे से बाइक सवार दो युवकों तेजी से आए और उसके हाथ में नोटों से भरा थैला छीनकर फरार हो गए। मैं बैंक में से पैसे लेकर आ रही थी, मैंने थैले में रख लिए थे और बस आगे पीछे से आकर थैला छीन कर ले गए। उसमें 30,000 रुपए थे, फोन भी था मेरा। बैंक से पैसे निकाले थे आपने? हाँ। कितने? 30,000 रुपए। तो और वो 30,000 रुपए आपने कहाँ रख दिए? थैले में। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर मैंने ऐसे मतलब मोड़ लिया थैला, मतलब सड़क पर जा रही थी, सड़क पर जा रही थी, मेरे रोड पे। फिर क्या हुआ? वह पीछे से बाइक वाला आया, उसमें दो आदमी थे और क्या था, काली जैकेट पहन रखे थे और वह पीछे से थैला छीन के मेरा हाथ में जैसे मैं जा रही थी थैला छीन के बस मुरादाबाद वाले रोड की तरफ। तो बिजनौर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर लुटेरों का आतंक दिख रहा है। साफ तौर पर बता दें कि महिला बैंक से ही 30,000 रुपए लेकर आ रही थी थैली में और जहां पर लुटेरों ने महिला की थैली छीनकर फरार हो गए हैं। बता दें आपको, दिन दहाड़े ये वारदात को अंजाम दिया गया है। बैंक से पैसे निकालकर महिला अपने घर जा रही थी जहां पर किसी तरह महिला ने 30,000 रुपए इकट्ठा किए थे जो अपने ज़रूरत के हिसाब से वो पैसे लेकर जा रही थी, जहां पर लुटेरों का आतंक दिखा और लुटेरे पहले ही घात लगाकर बैठे हुए थे। जैसे ही मौका देखा और महिला के हाथ से थैली लेकर फरार हो गए।
मानवता को शर्मसार करने वाली घटना पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए अपनी ही पुत्री के साथ कई बार बलात्कार और मारपीट करने वाले आरोप में ही दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास और 28,000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला आपको बता दें कि सालोन थाना क्षेत्र का है, जहां की रहने वाली एक लड़की ने अपने ही पिता के खिलाफ कई बार दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी थी। अपने पिता से तंग आकर पीड़ित लड़की ने अपने नाना को पूरी बात बताई, जिससे पीड़ित लड़की के नाना ने सलोन थाने में तहरीर देकर दुष्कर्म का मुकदमा पंजीकृत कराया, जिसके बाद एफटीसी फर्स्ट की अदालत के जज अजय कुमार यादव ने दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सर, क्या परिचय है? मेरा नाम दिनेश बहादुर सिंह, सहायक जिला शासकीय अधोक्ता फौजदारी। सर, एक दुष्कर्म के मामले में पिता को सजा हुई थी, क्या है मामला? आज हमारे न्यायालय से एफटीसी फर्स्ट से अमित कुमार यादव साहब ने एक अभियुक्त था छतपाल कुर्मी, जो थाना सलोन का रहने वाला था, उसने अपनी पुत्री के साथ बलात्कार किया था, उसमें आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 28,000 अर्थदंड लगाया है। तो आपको रायबरेली से खबर बता रहे हैं, जहां पर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बता दें आपको कि अदालत ने फैसला सुनाते हुए अपनी ही पुत्री के साथ कई बार बलात्कार और मारपीट करने के आरोप में दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, और इतना ही नहीं 28,000 अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है। मामला आपको बता दें कि सालोन थाना क्षेत्र का है, जहां की रहने वाली एक लड़की ने अपने ही पिता के खिलाफ कई बार दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी थी, और अपने पिता से तंग आकर पीड़ित लड़की ने अपने नाना को पूरी बात बताई, जिससे पीड़ित लड़की के नाना ने सालोन थाने में तहरीर देकर दुष्कर्म का मुकदमा पंजीकृत कराया, जिसके बाद एफटीसी फर्स्ट की अदालत के जज अजय कुमार यादव ने दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मथुरा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। आपको बताते चले कि शातिर बदमाश मथुरा में 1,65,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया था, और बदमाश के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी चल रहा था, और आज मथुरा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, और जिससे घायल बदमाश को जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। राया थाने की पुलिस और सुरीर थाने की पुलिस का एक संयुक्त ऑपरेशन में जब एक लूट के वांछित को गिरफ्तार किया था शिष्यपाल नाम के, तथा उसको रिकवरी के लिए मार्ट रोड पे लाया गया, तो जब वो इस पुलिया के पास पहुंचा तो जहाँ इसने अपना जगह बताई थी कि यहाँ पे मैंने अपना तमंचा और कैश छिपा रखा है, जब उसको पुलिस वहाँ लेकर के गई तो उसके द्वारा तमंचे से पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने भी आत्मरक्षात फायर किया, जिसमें की गोली उसके पैर में लगी है, तथा उसको नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा है। मौके से एक तमंचा, दो खोखा कारतूस और 12,500 रुपया बरामद हुआ है। अग्रिम विधिक कार्रवाई। तो आपको बता दें, मथुरा से खबर है, जहां पर मथुरा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश और के कब्जे से ही एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। आपको बताते चले कि शातिर बदमाश मथुरा में 1,65,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया करता था, और बदमाश के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी चल रहा था। मथुरा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है, और मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगने की भी खबर सामने आई है, जिससे घायल बदमाश को जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगने की खबर सामने आई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।